फ्रेंड्स, MIUI 12 अपडेट बहुत जल्द रोल आउट होने वाला है, बट आज हम लोग कुछ एडवांस टॉप सीक्रेट फीचर्स अपने फ़ोन में ऐड करने वाले, जिसका यूज़ करके आप अपने Xiaomi डिवाइस को फुल्ली MIUI 12 पे कन्वर्ट कर सकते हो। और इन सभी फीचर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग कुछ ब्रांड न्यू MIUI 12 लाइक थीम यूज़ करने वाले, ताकि ज़्यादा मेहनत ना करके ये सभी फीचर्स हमें मिल जाए। तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, एंड आपको शायद याद होगा MIUI 12 फीचर्स वीडियो बनाते टाइम जो थीम मैंने यूज़ किया था वो थीम कौन सा है, वो भी आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अभी से इस वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए, और टेक्नोमाइंड उज्ज्वल चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट में जो थीम मैं यूज़ कर रहा हूँ यही वो वाला थीम है जो कि मैंने MIUI 12 फीचर्स वीडियो बनाते टाइम यूज़ किया था। इस थीम का इंटरफेस काफ़ी मिनिमल है, जैसे कि आपको पता ही होगा MIUI 12 भी बहुत ज़्यादा मिनिमलिस्टिक एंड फ्लैट होने वाला है। उस हिसाब से देखा जाए तो इस थीम का जो इंटरफेस है वो MIUI 12 से काफ़ी ज़्यादा मैच करता है। और इस थीम के साथ आपको कलरफुल आइकॉन पैक मिलता है, जिसके यूज़ करके आप आसानी से किसी भी ऐप को फाइंड कर सकते हो। और नोटिफिकेशन पैनल की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्टिमाइज नोटिफिकेशन पैनल मिलता है, ताकि आपको कोई भी शॉर्टकट फाइंड करने में ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। उसके बाद आपको होम स्क्रीन पे एक विडगेट भी मिलता है विद प्रॉपर डिटेल्स के साथ। और नेविगेशन बार की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जो बटन्स दिया रहता है यहाँ पे वो भी सारा चेंज हो चुका है। अब इसका जो लॉक स्क्रीन है वो भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। यहाँ पे अगर आप लॉक स्क्रीन को ओपन करेंगे तो देखिए लॉक स्क्रीन में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस कुछ डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। बट दो बार लॉक स्क्रीन पे टैप करने पर आपका म्यूजिक प्लेयर जो है ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, ताकि आप लॉक स्क्रीन से ही अपने मन मुताबिक किसी भी म्यूजिक को प्ले करके सुन पाओ इस थीम का यूज़ करके। और एक चीज़ आप जान लीजिए, इस थीम के साथ आपको कोई भी न्यू लॉक स्क्रीन वॉलपेपर या फिर न्यू होम स्क्रीन वॉलपेपर देखने को नहीं मिलता है। आपके फ़ोन में जो MIUI का डिफॉल्ट वॉलपेपर दिया गया है वही वाला वॉलपेपर इस थीम के साथ भी आपको देखने को मिलेगा। बट आप चाहो तो किसी भी वॉलपेपर को यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, जैसे कि मैंने भी सेट कर रखा है, तभी ये थीम जो है देखने में और भी ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है। अब सेकेंड जो थीम है, इस थीम बहुत ज़्यादा अमेजिंग है हर एक पबजी लवर्स के लिए। इस थीम को इंस्टॉल करने पर आपको हर एक चीज़ें कस्टमाइज देखने को मिलेगा। जैसे कि आप होम स्क्रीन पर ही देखिए आइकॉन्स पैक जो दिया गया है वो एक लाइक वार वाली फीलिंग देता है। उसके बाद आप विडगेट को भी देखेंगे तो यहाँ पे फुल्ली कस्टमाइज कर दिया गया है विडगेट को। विडगेट भी देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। उसके बाद आप नोटिफिकेशन पैनल की तरफ देखेंगे तो देखिए यहाँ पे व्हाइट एंड ब्लू का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़्यादा कूल बना रहता है नोटिफिकेशन पैनल को। इसके बाद हम लोग सेटिंग की तरफ चलते हैं, और सेटिंग भी देखिए यहाँ पे पूरी तरह से चेंज हो चुका है। एक न्यू स्टाइल ऑफ वॉलपेपर आपको सेटिंग के बैकग्राउंड में देखने को मिलता है। अब लास्ट में लॉक स्क्रीन की बात की जाए तो इसका लॉक स्क्रीन भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। जैसे कि आप हर बार स्क्रीन ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पे न्यू स्टाइल ऑफ HDR PUBG वॉलपेपर देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ जो विडगेट यहाँ पे आपको मिलता है वो भी एक एनिमेटेड विडगेट है, जो कि इस लॉक स्क्रीन को और भी ज़्यादा प्रीमियम बना देता है। अब नंबर थ्री जो थीम है, इसे आप छोटा पैकेट बड़ा धमाका बोल सकते हो, क्योंकि इस थीम का जो साइज है वो महज 5 MB है। बट उसके बाद भी इस थीम के अंदर आपको कुछ इस तरीके की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स मिलता है, जो कि किसी और थीम के अंदर आपको मिलेगा ही नहीं। ये थीम आपको बेसिकली iOS इंटरफेस के साथ देखने को मिलेगा, और आपको शायद पता ही होगा MIUI 12 भी कुछ हद तक iOS के ऊपर बेस्ड होने वाला है। इस थीम के साथ आपको iOS आइकॉन पैक भी देखने को मिलता है। उसके बाद आप होम स्क्रीन विडगेट को भी देखेंगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आप नोटिफिकेशन पैनल की बात की जाए तो इस थीम के साथ आपको फुल्ली ब्लर नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिलने वाला है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड इस थीम के अंदर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स दिया गया है वो सभी आपको मिलेगा लॉक स्क्रीन के अंदर। इस थीम के साथ आपको iOS 10 लॉक स्क्रीन देखने को मिलता है। उसके बाद आप लॉक स्क्रीन में आके राइट टू लेफ्ट स्वाइप अप करेंगे तो आपको यहाँ पे एक न्यू बार देखने को मिलेगा, जिसे आप चाहो तो कस्टमाइज कर सकते हो। और इसके बाद हम लोग फिर से लॉक स्क्रीन में आके ऊपर से नीचे स्वाइप अप करेंगे तो आपको यहाँ पे एक टॉगल नोटिफिकेशन पैनल भी देखने को मिलता है, जिसके यूज करके आप किसी भी शॉर्टकट को यहाँ से हैंडल कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई भी शॉर्टकट काम नहीं करता है, यहाँ पे जितने भी शॉर्टकट दिया गया है वो सभी शॉर्टकट प्रॉपरली काम करता है। और इस थीम का एक डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि इस थीम के साथ जो वॉलपेपर आता है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। आप चाहो तो उस वॉलपेपर को चेंज करके इस थीम के यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने भी चेंज करके आपको दिखाया है। बस इस वॉलपेपर मैटर को छोड़ के ये थीम जस्ट सुपर्ब है। और मैं आपको बता दूँ, इन सभी थीम्स को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो भाई आप फुल वीडियो वॉच करते रहिए, मैं आपको हर एक डिटेल्स प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि इन सभी थीम्स को आप डाउनलोड करके यूज़ कर पाओ।
अब नंबर फोर जो थीम है, ये थीम बहुत ज़्यादा हैवी ओएट है। इस थीम के साथ जो आपको होम स्क्रीन सेटअप मिलता है वो है फुल्ली एंड्रॉयड 10 वाला। आपको जो होम स्क्रीन में विडगेट देखने को फिलहाल मिल रहा है, ये विडगेट भी काफ़ी बेहतरीन लगा है मुझे, क्योंकि इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो देखिए येलो एंड ग्रीन कलर काफ़ी बेहतरीन लग रहा है विद डार्क मोड के साथ। अब नोटिफिकेशन पैनल को चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी आपको बहुत बेहतरीन एक वॉलपेपर मिलता है। उसके साथ नोटिफिकेशन पैनल के अंदर जो शॉर्टकट दिया गया है वो भी काफ़ी यहाँ पे छोटा छोटा करके दिखाया गया है, ताकि आप एक ही पेज के अंदर काफ़ी सारे शॉर्टकट को देख पाओ। उसके बाद हम लोग सेटिंग ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सेटिंग ऑप्शन में देखिए यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन भी आपको डार्क मोड में देखने को मिलता है। उसके बाद आप रिसेंट ऐप को भी चेक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको बैकग्राउंड में एक बहुत बेहतरीन सा वॉलपेपर देखने को मिलता है, जो कि भाई बहुत 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 खूबसूरत लगता है देखने में। और इसके बाद आप लॉक स्क्रीन को चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 20+ लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन इस थीम के अंदर अवेलेबल है। यहाँ पे बहुत सा फीचर्स आपको मिलता है लॉक स्क्रीन के अंदर, जो कि आप यूज कर सकते हो वो भी सिर्फ वन क्लिक में। आप हर टाइम एक न्यू टाइप ऑफ लॉक स्क्रीन अपने मोबाइल में सेट कर सकते हो, जो कि काफी बड़ी बात है। कोई भी इंसान इस थीम को एक बार देखे ना तो भाई उसे डाउनलोड करने के बारे में जरूर से एक बार सोचना पड़ेगा। मैं आपको 110% रिकमेंड करता हूँ इस थीम को आप एक बार डाउनलोड करके कम से कम देखिए। ये थीम क्वालिटी के हिसाब से हमेशा टॉप पे रहता है। अब नंबर 5 जो थीम है, इसे आप सेम टू सेम MIUI 12 लाइक थीम बोल सकते हो। इसका इंटरफेस बहुत ज़्यादा फ्लैट है। इसके साथ आपको मिलता है डबल टैप टू चेंज वॉलपेपर फीचर्स। उसके बाद आप होम स्क्रीन सेटअप को देखेंगे तो भाई ये भी काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव लगा है मुझे। इसका जो विडगेट है वो काफ़ी हद तक MIUI 12 जितना डिज़ाइन किया गया है। उसके बाद आप आइकॉन पैक को भी देखेंगे तो भाई आइकॉन पैक भी बहुत मिनिमलिस्टिक है। किसी भी आइकॉन को आप फाइंड कर सकते हो वो भी जस्ट 1 सेकेंड के अंदर। उसके बाद आप नोटिफिकेशन पैनल की बात करेंगे तो वो भी काफ़ी हद तक फ्लैट नोटिफिकेशन पैनल रखा गया है इस थीम के साथ। उसके बाद आप लॉक स्क्रीन को भी देखेंगे तो भाई इसका लॉक स्क्रीन भी बहुत बेहतरीन लगा है मुझे। और इस थीम के साथ जो लॉक स्क्रीन वॉलपेपर दिया गया है वो तो मुझे बहुत पसंद आया है। आप खुद से नहीं देखेंगे ना तो भाई आपको पता नहीं चलेगा ये लॉक स्क्रीन वॉलपेपर किस टाइप का है। बहुत बेहतरीन है, आप इस थीम को भी एक बार ट्राई करके देखिएगा। और मैं आपको बताया तो इन सभी थीम्स को आप ट्राई कहाँ से करेंगे, इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा थीम लिस्ट करके। उसके पास जो लिंक दिया गया है उसी लिंक पे क्लिक करके आप इन सभी थीम्स के बारे में प्रॉपर तरीके से जान सकते हो कौन सा वाला थीम किस नाम से MI थीम स्टोर में अवेलेबल है। उस लिंक पे आप जाइए तो आपको हर एक थीम आसानी से मिल जाएगा। और इन सभी थीम्स को इतना क्रिएटिवली डिजाइन किया गया है ना, इसमें से किसी भी थीम को आप डाउनलोड करके अपने फ्रेंड को दिखा सकते हो कि भाई देख मैं तो MIUI 12 डाउनलोड करके यूज भी कर रहा हूँ, तो भाई आपका फ्रेंड समझ नहीं पाएगा एक्चुअली में MIUI 12 है या फिर MIUI 11 के अंदर ही थीम इंस्टॉल किया गया है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक टेक्नो माइंड उज्जवल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।